गाइस जोहार, फिर से लियोन ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। मैं ज्योतिका मुर्मू। कैसे हैं आप लोग? हम लोग ठीक है, आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। और गाइस ये देखिए, ये मोरिंगा का फूल है, मुनगा फूल। इसकी हम आज सब्जी बनाने वाले हैं। ये हमने कल ही अपने बारी से तोड़ लिया था और इसे हम इससे डंठल से हम फूल को छुड़ाएंगे। आधा फूल मैंने छुड़ा के रख लिया है और अभी सारे फूल को छुड़ाना बाकी है, हम इसे छुड़ाते हैं। और आगे हम आपको इसकी रेसिपी दिखाते हैं, हम लोग कैसे बना के खाते हैं। और बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही ये हेल्दी भी है। और ये मौसम में ही मिलता है, एक ही बार साल में एक ही बार मिलता है, इसलिए हर किसी को खाना चाहिए। आप लोग भी खाइए, एंजॉय कीजिए। दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है गाइस, देखिए गाइस, लियोन भी मेरा फूल छुड़ाने में हेल्प कर रहा है। बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, छुड़ा दिया। गाइस मैंने सारे फूल को अलग कर लिया है डंठल से और अभी मैं इसे पानी से धो करके इसे बॉईल होने के लिए रख दूंगी। मैंने गैस ऑन कर लिया है और इसमें कढ़ाई चढ़ा देती हूँ पानी गर्म होने के लिए और इसमें से मैं मोरिंगा फूल धो के डाल दूंगी। गाइस देख सकते हैं, मैंने मोरिंगा फूल धो रही हूँ और इसे अच्छे से धो करके इसमें बॉयल होने के लिए डाल देती हूँ। ये धीरे धीरे पानी गर्म होगा फिर बॉयल होगा, बॉयल आ जाएगा। हल्दी और नमक मैंने ऑप्शनल डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या तो नहीं डाल सकते। देख सकते गाइस बॉयल आ चुका है, इसमें अच्छे से उबाल आ रहा है। अभी बॉयल हो जाने के बाद आधा पक जाएगा, फिर मैं इसे उतारूँगी। फिर से अच्छे से छान करके चावल भी चढ़ा दिया मैंने, उतार करके इसे अच्छे से निचोड़ करके इसके जो पानी है कासापन है उसको निकाल देना है। फिर इसको अच्छे से ड्राई करके इसमें लगने वाले सारे इंग्रेडिएंट निकाल दिया है। कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने और मैंने कढ़ाई गर्म हो चुका है, मैंने सरसों तेल डाल दिया है और ये कटा हुआ लहसुन है। भुनने के बाद फिर इसमें कटे हुए प्याज और हरी मिर्च डाल दे रही हूँ। ये लाल होने तक मैं भूनूंगी और इसके बाद फिर इसमें जो मैंने एक पेस्ट तैयार किया है लहसुन और मिर्ची का, हरी मिर्ची का, फिर उसे डालूंगी। गाइस ये मेरा पेस्ट है, इसे मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी। ये हमने डाल दिया और ये भून रहा है और भूनने के बाद मैं हल्का सा इसमें हल्दी ऐड करूंगी और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। गाइस मैं हल्दी डाल रही हूँ और मेरा जो प्याज है वो लाल हो चुका है, अब हल्दी डालूंगी। थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दे रही हूँ, बारीक कटे हुए टमाटर इसमें डाल दिए और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालूंगी, डाल देती हूँ। इसे अच्छे से मिला दूंगी, फिर ये टमाटर गलने तक मैं इसे भूनूंगी। टमाटर जब तक गल नहीं जाता तब तक मैं इसमें जो मोरिंगा का फूल है उसे ऐड नहीं करूँगी। अच्छे से भून जाएगा, चाहे ये भून चुका है। अब मैं इसमें मोरिंगा का फूल ऐड करूँगी। देखिए गाइस अच्छे से पूरा तेल दिख रहा है, इसमें पूरे अच्छे से भून गया है। अब ये निचोड़ा हुआ फूल डालूंगी मैं, अब डाल देती हूँ। फिर इसे अच्छे से मिक्स करूँगी
ताकि ये जो मसाला के साथ अच्छे से भुन जाए, और इसे तब तक पकाऊंगी जब तक ये अच्छे से इसमें मिल नहीं जाता, अच्छे से भुन नहीं जाता। इसे धीमे आंच में धीरे धीरे पकाऊंगी, और जितने धीमे आंच में ये बनेगा उतना ही ये टेस्टी लगेगा। गाइस देखिए अच्छे से भुन रहा है और मैंने आंच कम ही रखा हुआ है। देखिए गाइस ये अच्छे से भुन चुका है, अच्छे से भुन चुका है गाइस। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और प्लेट में सर्व कर लूंगी। गाइस कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं, कैसे रेसिपी, आप लोगों को रेसिपी कैसे लगा कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइस बाय बाय।